A bus lost and found. Thank you. Please come in. Sorry, सामान जरा बिखरा हुआ है. Oh, that's okay. I should be sorry. मुझे आने में थोड़ी देर हो गई. Oh, ये मेट्रो सिटी का ट्रैफिक सबके लिए एक एक्सक्यूज है. यहाँ हर कोई लेट हो जाता है. तो अवार्ड फंक्शन कैसा रहा? जैसा हमेशा होता है. फिर भी एक अवार्ड तो ले ही ली. सेंसेशनल फीमेल परफॉर्मर ऑफ द ईयर. वो बस सबको खुश करना चाहते हैं. आई गॉट माय शेयर. मैं तुम्हें एयरपोर्ट के पास बुलाकर वहीं पर तुम्हें कहानी सुनाने की सोच रहा था, मगर उस तरह की कहानी सुनाने के लिए मेरे हिसाब से ऐसी जगह इस दुनिया में और कहीं नहीं है. हाँ, वो तो मैं देख सकती हूँ. और इस तरह के एस्टैब्लिश एक्टर को कहानी सुनाने के लिए अगर इस तरह का एम्बियंस हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आ, डोंट बी सो स्वीट. क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊँ? नाउ यू बीइंग सो स्वीट. लेकिन मैं कॉफी पी सकता हूँ. लेकिन कॉफी के पहले मैं जरा शार लेकर आ जाता हूँ. ओके. लेकिन प्रॉमिस करो तब तक इसमें से एक भी पेपर को नहीं छुओगी. नहीं, बट डोंट टेस्ट माई पेशेंस. कॉफी. थैंक यू. धनु, जानती हो ना, 2 साल से मैं कुछ काम नहीं कर रहा. मेरी पहली फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही थी. मेरी फिल्म वक्त के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, फिल्म लवर्स के हिसाब से खुशी देने वाली फिल्म थी. और मेरी ये फिल्म मैंने कॉपी की है. और मैंने ये कॉपी की है द मेमो ऑफ एन इंडियन इंटरपोल ऑफिसर, जिसकी सर्विस पूरी हो जाती है. एक गैंगस्टर फिल्म के रिसर्च मटेरियल के हिसाब से मैंने पहले उससे अप्रोच किया था. लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में कुछ और भी आया, या ये कहूँ कि कोई और आया. देखो, हम जो अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनते हैं, देखते हैं, मैं ये कहानी उस पर ही सोचकर बनाना चाहता हूँ. ओके. और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है. धनु, मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए एक फिल्म नहीं है. ये ऑब्सेशन इसके अलावा और कुछ नहीं है. ये तुम्हें समझ में आए तो मुझे समझाना, बिल्कुल बिंदास बोलना. नहीं अच्छा लगे तो मना करना. तुम अच्छी दोस्त हो, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो. यहाँ तुम्हें मुझे हर बात सच बतानी है. कबीर, जस्ट रिलैक्स. तुम्हें पता है मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी, पर मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी. जो कहोगे सुनूंगी, पर सवाल तो मैं तुमसे भी करूंगी. धनु, एक समय पर बैंकॉक में अंडरवर्ल्ड का राज था. मुंबई शहर में 90s में अंडरवर्ल्ड का जो हाल था वो नरक जैसा था, और वो दुनिया के और किसी देश में भी फैला था. वो है बैंकॉक, ऐसी जगह जहां पैसा और लड़कियों की कमी नहीं है, जिसमें माया के जैसा चेहरा छुपा हुआ था जिस पर हमेशा नजर रहती थी. वैसे ही सुंदर लड़कियों पर हमेशा नजर लगी रहती है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है. इस कहानी की शुरुआत भी उसी शहर से हुई है. बाहर से आने वाले लोग जो घूमने आए हैं, उन लोगों ने वहाँ एक गली में अपनी जगह बना ली है. जो पेंटिंग करते हैं अपने कैनवस में वहाँ आने वाले किसी भी चेहरे को, मोर देन अ लाइवलीहुड, ड्राइंग उसका पैशन था. वो एक आर्टिस्ट थे. कबीर, तुम उसे क्या बुलाते हो? ईशा.
पर मैं उसे देख नहीं सकती। तुम बिल्कुल वैसे ही दिखती हो। ईशा सेकेंड जनरेशन की इंडियन फैमिली थी। मां बाप के मरने के बाद सब कुछ उसके चाचा ही हैं। उसका पैशन शेयर करने वाला आर्टिस्ट लूसी फ्रैंकून और एक और दोस्त राजू, इन लोगों में ही उसने अपनी खुशहाल दुनिया ढूंढ ली। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं आपकी फोटो कल तक दे दूंगा। मैम सुनिए, मैम विश्वास कीजिए, मैम प्लीज, आई नीड माय पिक्चर्स, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली, मैम दे दूंगा, प्लीज। मैं आपको अभी जो मिल गया, अब आगे क्या मिलेगा देखते हैं। खैर जाने दो। हाय ईशा, एक्सक्यूज मी, रात में क्लाइंट मीटिंग में बहुत मजा आया ना? इट्स ऑल राइट, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, जानते हो वो जो सोवित कुंदन, वो कौन है? हाँ, यही मेरी समस्या है। उस कुंदन का पेंटिंग लेने का मुझे ऑर्डर मिला है, अब इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। अब ये क्या कोई छोटा सा गांव है क्या? कितना टाइम लगता है पेंटिंग बनाने में, आपको तो पता ही है। कौन है वो मॉडल जिसकी इतनी डिमांड है? वो मॉडल वॉडल नहीं है, उसे हम लोग नील नील बोलते हैं, उसका असली नाम सोवित कुंदन है। इसका मतलब ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा, 12 साल तो लग ही जाएंगे, तुम्हें और कोशिश करनी होगी। लैवेंडर फूल का वो गमला किसने रखा, क्यों रखा, ये बिना जाने ही ईशा ने ले लिया। हाय दीदी। देख लिया मैंने। तुम्हारी घबराहट को देखकर पता है मुझे क्या याद आ रहा है? देखो, मेरी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आज की ऐश्वर्या जैसी दिखती थी मैं 87 में। जॉय नाम का एक लड़का था जो मेरे घर के बाहर फूलों की टोकरी रखता था। उस जमाने में लैवेंडर नहीं हुआ करते थे, तो वो मेरे लिए गुलाब के फूल लाया करता था। मुझे तो लगता था कि ये आम बात है। तकलीफें तो बहुत थी, रात को चोरी से गुलाब का फूल लेना, पिताजी की डांट से डरना। हम हमेशा लूसी की दुकान से ही फूल लेते हैं। $1 में कितने फूल आते हैं पता है? अब जब जमाना बदल गया है तो फूल भी तो बदल ही गए होंगे, है ना? लेकिन फिर जॉय? उस जॉय को लकवा मार गया था, अब वो मेरे पति बनकर खाट में लेटे हुए हैं। ये सब काम बाद में कर लेना, पहले बाहर जाकर फ्रेमिंग कर दो। दीदी, आपने उस लड़के को देखा है? कौन सा लड़का? वो लड़का जो लैवेंडर के फूल रखता है। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो अजनबी बहुत बार उसे ढूंढकर फूल लेकर उसके सामने जाने लगा। तो वो लड़का कोई अनजान है? वो लड़का, तुमने बहुत अच्छा गेस किया। अंधेरे में रोशनी ढूंढकर जाने वाला वो
मैंने पहले ही बताया था वो इंटेलिजेंस ऑफिसर, क्रॉनिकल के आर्टिकल में उसका एक चैप्टर भी है। वो उस गैंग का सबसे बड़ा शूटर था जिसे इन्होंने हायर किया। उससे एक बार एक राजनीतिक हत्या करवाई गई। वो आदमी कौन था, क्यों मरवाया गया, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। सबूत साबित होने तक वो काफी टाइम तक अंडरग्राउंड रहा। वो काफी समय तक यही सोचता रहा कि ये उसके साथ क्या हो गया, वो जानवर है या इंसान, वो कौन है, वो बस यही सोचने लगा। तो उसने खुद को मार लिया। लेकिन उसने अपना डेथ फेक किया और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर ही स्टेड लो प्रोफाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उसने जो गुनाह किया उसके प्रायश्चित के लिए उसने चुना एक पीस अल्टीमेट, और वो थी ईशा, और उसकी इनोसेंस में उसने अपना प्रायश्चित ढूंढ लिया। सर पिज्जा। सर आपका बिल। सर बैलेंस तुम अपने पास ही रख लो। नहीं सर, मेरा रोल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए सर। तो अगर रोल नहीं दिया तो पिज्जा में जहर भरकर मुझे तो नहीं मार दोगे? मारूंगा, जरूर मारूंगा सर। मैंने बाहर पब्लिसिटी कर दी है कि मैं एक फिल्म में रोल कर रहा हूं, इसलिए बुरा लगेगा। सर ये लीजिए अपना बिल, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा रोल बढ़ा दीजिएगा। सर चलता हूं, तब तक आप मेरे गरम गरम पिज्जे का आनंद उठाइए। सर बाय। सर जानवी, जानवी जरा इसे फ्रेम कर दो। क्या है ये? ये है अद्भुत कामुकता की निशानी जो लोगों को लुभाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी ने इस पर थूक कर इसे फेंक दिया है और इसे तुम इम्प्रेशन स्टाइल कह रहे हो। और बताओ रात को कहाँ थे तुम? किसे बेवकूफ बना रहे हो? पकड़ो। जानवी मैं लोगों को बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? देखो मेरा एक क्लाइंट इसे एग्जीबिशन में लेकर जाएगा, इसलिए इसे अच्छे से फ्रेम कर दो ना प्लीज। शाम तक मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। देखो पिछले हफ्ते मैं कहीं बाहर गई थी, टैक्सी का किराया हुआ था 610, और इतना ही नहीं पेंटिंग लेकर गए थे, कहा था बेच कर दे दूंगा, उसके थे 2000 रुपए, भाड़े के हुए थे 300, सब मिलाकर हो गए 2920। अब बताओ कि ये सारे पैसे कब देने वाले हो? तो आपको सब याद है? आपका जितना भी उधार मेरे ऊपर अब तक है इस फ्रेम के साथ साथ सब के सब एक साथ चुका दूंगा। इनमें से कोई भी फ्रेम बनाकर मेरी मदद कर दो ना। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहां से। जानवी मैं जब ईशा से मिला उस समय लेवेंडर की खुशबू चारों तरफ महक रही थी।
some flowers, cool lavender. Oh, can you show me who? Wanna call him for a party in my room? Would you send me his number? ये लो पिज़्ज़ा। थैंक यू। पर उसने उसे सामने से अप्रोच क्यों नहीं किया? वो ये काम छुप छुप कर क्यों करता था? वो उसे सामने से बताने का सोच ही रहा था कि फिर तुम्हें कितनी बार मैं और समझाऊं? कब समझ में आएगी तुम्हें मेरी बात? आलोक भाटिया ने अगर रिपोर्ट सबमिट किया ना तो सबकी मेहनत बेकार, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आई बात समझ में? मुझे पता है, मैं संभाल लूंगा, आप बस हिम्मत रखो पापा। जोसेफ तरगल अभी तक यहां खड़ा है तुम्हारी इसी बात की वजह से। हिम्मत, कहीं वो तुम्हें कुछ कर न दे, यही डर है। एनफ अजय, कुछ भी हो आलोक भाटिया रिपोर्ट सबमिट ना कर पाए। ब्लैक ट्यूलिप मदर गैंग थी और बाबा उसके लिए पिता तुल्य थे। कॉन्ट्रैक्ट की एजेंट से जो प्रोफेशनल होते हैं उससे ज्यादा बाबा को उस पर विश्वास था जिसे गोद लिया था।
कारण क्या है मैं नहीं जानता, तुम कुछ बताओगे तो ही पता चलेगा ना। मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, पसंद करता हूँ। अब ये कैसा नाम है? आर्यन, व्हाट इज दिस? जाली पासपोर्ट बनाते वक्त एक गुजराती का नाम मिला। शुरुआत में तो अच्छा नहीं लगा, पर बाद में आदत पड़ गई। हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा। हम मिडिल ईस्ट में काम कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। वहां की इकोनॉमी काफी बढ़ रही है, फिर चाइना भी है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, कुआलालंपुर, बैंकॉक, इनफैक्ट हांगकांग। बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले हमारा एक पुराना दुश्मन है, हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है, राघव। हमें इसे पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। सिद्धार्थ, बैंकॉक पुलिस डिपार्टमेंट वेलकम्स टू इंस्पेक्टर समीर एंड राघव मूर्ति। थैंक यू मिस्टर चेंग, इट्स राघव मूर्ति। जेंटलमैन, द ब्लैक ट्यूलिप्स। ब्लैक ट्यूलिप्स, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। जी बिल्कुल, उनकी चाहत जो है वो ट्यूलिप फूलों की तरह ही है, काले फूलों की तरह। 80s और 90s के ज़माने में बहुत बड़ा गैंग बन गया था। छोटे स्मगलिंग से शुरू करके वो लोग रॉबरी, हवाला, सुपारी लेकर लोगों का कत्ल तक करने लगे थे। उन लोगों ने हैदराबाद, मुंबई, गोवा, दुबई और ईरान, यहाँ पे इन लोगों ने अपने धंधे की शुरुआत की। ईस्ट यूरोप तक पहुँच गया है, इस समय यहाँ पर हैं बैंकॉक में। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, इंडिया मिलाकर सारे एशियन कंट्रीज़ में उनकी पहुँच है। और उसके पीछे है जोसेफ तारगल। गोवा में गांजा बेचता था और हैदराबाद में जाकर सेटल हो गया था वो। ऑल टाइम स्मगलर पैट्रिया, ब्लैक ट्यूलिप उनका खास धंधा था। एक कार एक्सीडेंट में उसके गोद लिए बेटे की मौत हो गई, उसके बाद वो एक्टिव नहीं था। इस समय उसका बिजनेस देखता है सनी तारगल, जोसेफ का बेटा है, एक बड़ा खिलाड़ी है वो। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो सनी के बिजनेस में हो रहे लॉस को संभालने के लिए जोसेफ तारगल यहाँ पर आया है। अब हमें भी अपना काम शुरू करना होगा। तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। जो काम वो कर रहा है उसे उसमें जबरदस्ती घुसाया गया है और वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। और उसका एहसास भी है, इन दोनों के दर्द में उसने एक फैसला लिया कि वो अपने प्यार और उस लड़की को इस गंदे धंधे में नहीं लाएगा, ताकि ईशा को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसा करने का उसने सोच लिया। देखो, मैं उसका कंफ्यूजन समझ सकती हूँ, पर ईशा तो उसे जानती भी नहीं थी, तो उसे इस बात का एहसास कैसे होगा? दूर से कोई उस पर नजर रख रहा है, ये उसे समझ में आ गया था। लेकिन आर्यन का खुद को डिफेंस करने की कोशिश करने से ही उसका गैंग से पूरा कनेक्शन कट हो जाता। और सबसे बड़ी बात, आर्यन का डर उसमें इसके गैंग का ही हाथ था। उसे पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है और वो नहीं चाहता था कि किसी को ईशा के बारे में पता चले, इसलिए वो छुपा रहा। आज फूल नहीं आया, कोई आकर फूल रख कर जाए इस बात का इंतजार कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आई मिस द फ्लावर्स, आई मिस।
जब उसे लैवेंडर फूल नहीं मिलने लगा तो वो परेशान होने लगी। तो ये है राघवन मूर्ति? हाँ। पर उसे ईशा के बारे में कैसे पता चला? हेलो, ये वाली मनी पैसे, ये लो पैसे, अब मुझे दे दो। थैंक यू। क्या पहले पैसे दे देंगे? ओह श्योर, थैंक्स। सॉरी, मुझे जाना है। लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो फिर कल मिलता हूँ। मैं कल जरूर आऊंगा, इसी टाइम पर। ओके ओके, अच्छा चलता हूँ, बाय। सॉरी, कल जो पेंटिंग बनाई थी वो खराब हो गई, हमें फिर से बनानी होगी। हे, तब तो सॉरी मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल चला गया था। आई एम सॉरी, यू कैरी ऑन, कितना भी टाइम लगे मैं बैठूंगा। ओके। मैं आपकी पेंटिंग बना रही हूं तो आप मुझे देखेंगे ना? ओ शो शो, मैं आपको ही देख रहा था कि सामने कुछ आ गया तो नजर। वैसे क्या देखा आपने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे बारे में आप कुछ सोच रही हैं?
मतलब आप एक पेंटर हैं, तो शायद मेरे फीचर्स के बारे में। मैं बहुत खराब दिखता हूँ क्या? Oh, I'm really sorry. One second. इतनी जल्दी बना लिया? इससे भी जल्दी बना सकती हूँ। Oh, I see. पसंद ना हो तो दूसरी बना दूंगी मैं। अगर मैं कल आऊं तो मेरे लिए उस तरह की पेंटिंग बना सकती हैं क्या? तो कल मिलते हैं। एक मिनट। सिद्धार्थ ईशा के सामने आएगा तो ये कभी नहीं सोचा था कि अनजाने में वो ईशा उसकी ईशा बनेगी जो आर्यन की थी। ओह, पर इस सब का उस पर क्या असर पड़ा? वो एक तरह से सिद्धार्थ पर नजर रखने लगा, लेकिन उन दोनों को तंग करने के लिए उसे कोई मौका नहीं मिला, उसे कोई रीजन भी नहीं मिला। एक तरफ है गैंगस्टर, दूसरी तरफ है एक लवर बॉय, और दोनों के बीच में भोली सी लड़की। मुझे तो ये कोई लव ट्रायंगल लगता है। मैं दूसरी नजर से देख रहा हूँ। इट्स मोर ऑफ अ टाइट रूफ वॉक। उन दोनों के बीच में एक छोटे से धागे से बंधी हुई है वो लड़की। इट्स हर लाइफ एंड इट्स हर चॉइस। तबीयत ठीक नहीं है? काफी देर से इंतजार कर रही हो क्या? मैं नहीं तो हाँ, थोड़ी देर से। तो फिर शुरू करें? शुरू करें क्या? तुमने कहा था ना वाटर कलर की पेंटिंग चाहिए। वही। इस देश में मेरे यहाँ की कोई लड़की रास्ता भटक जाए, मैं नहीं चाहूंगा। उसे और कोई रास्ता नहीं मिला होगा। अरे मेरी प्यारी जानवी दीदी, मैं उम्र में रास्ता भटकने की बात कर रहा हूँ। तो ईशा की बात कर रहा हूँ मैं। ईशा को क्या हुआ? एक अनजान लड़के के साथ घूमती रहती है आजकल, वो वही उसकी जिंदगी हो गया है। दोनों को पार्क में देखता हूँ, कल मैंने कॉफी शॉप में भी देखा। उन दोनों में कुछ ना कुछ तो है, अब मैं क्या करूँ दीदी। ए, तेरी सोच कितनी गंदी है ना, मैं जानती हूँ। रहने दे, ईशा वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है। उसके बारे में कुछ भी गलत कहा ना तो मार मार के तेरी तस्वीर बना के वहां पे लटका दूंगी। जानवी दीदी, छी, ये भी मेरी बात नहीं समझ रही है।
गुड मॉर्निंग। मे आई कम इन? ओ प्लीज। थैंक यू। चाचा जी, मैंने बताया था ना सिद्धार्थ के बारे में? हाय। सिद्धार्थ ये मेरे चाचा जी हैं। इस एरिया में शांत जगह ढूंढने वाले ये पहले इंसान होंगे। सिट डाउन। थैंक यू। सिद्धार्थ, कॉफी या चाय? कुछ भी। सिद्धार्थ, सिर्फ चाय लोगे या उसके साथ कुछ और? कुछ समय पहले यहाँ पर गांजे की बहुत मांग थी। ओह। एशिया में टॉप पर था, लेकिन सरकार ने सब कुछ बंद करवा दिया और चाय के बगान लगवा दिए। हो सकता है उसकी वजह से यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है, इसीलिए जगह बहुत मशहूर है। बिल्कुल गांव के जैसा ही है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं होता। वैसे तुम कहाँ के हो? पालाकड़ा। यहाँ क्या करते हो? पेंटाग्राफिक्स में आर्ट डायरेक्टर का काम करता हूँ। ओह, बहुत अच्छी सोच है। थैंक्स। सिद्धार्थ, शतरंज खेलते हो? चाचा जी। ओके ओके। कम इन। वाओ, नाइस रूम। अरे ए, तुमने कहा था ये कॉपी खराब हो गई है, तो ये यहाँ पर कैसे दूसरा है? देखो, मुझे पता है वो मेरी ही पेंटिंग है, है ना? सच में ये तुम नहीं हो? वाओ, ये कौन सी जगह है? उस दिन मैं सिटी की पेंटिंग लाइफ से रिलीफ के लिए उस जगह पर गई थी, पता नहीं वो लैंडस्केप कैनवस पर उतारना चाहती थी, मेरी फेवरेट जगह। पर अचानक से मैं पानी में गिर पड़ी, मगर मुझे किसी ने बचा लिया और जब मैं होश में आई तब वो वहां से जा चुका था। जाते जाते उसने मेरे लिए एक बड़ा काम कर दिया था। मेरे पेंटिंग के बैग को उसने एक सेफ जगह पर लगा दिया। मैंने सोचा था मेरे सारे कलर्स पानी में बह गए होंगे। उसके बदले मैंने अपनी वही पेंटिंग बनाकर वहां लगा दी। और उसके बदले में उस दिन से वो अनजान आदमी वो लैवेंडर के फूल मेरे घर के बाहर रख देता। मुझे लगता है वो अनजान आदमी तुम ही हो। अब छुपाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब बता ही दो। मैंने उसे झूठ नहीं कहा, सच में। I choose silence।
वाइन के ग्लास के साथ संगीत हमेशा अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। Oh my God, time हो गया। Yes, it's time for some action. ब्लैक ट्यूलिप के अंडरग्राउंड में होने वाले एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए मूर्ति ने अपने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया, उसकी हर एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए। Yes, tell me. मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। I'll take care of that. Damn it. Sunny, जो भी करना है उसे जल्दी ही कर डालो। Okay? Yes, Dad. सूरज, मैं अपना काम बेहतर करूंगा सर। Very good. सिद्धार्थ सिर्फ एक लवर बॉय नहीं था? नहीं, वो एक अंडरकवर ऑफिसर था। ओह। और एक स्पेशल मिशन पर था। ईशा ये समझ नहीं सकी कि उसे फंसाया गया है। अब आर्यन अपनी अंडरग्राउंड लाइफ से बाहर आकर ईशा की लाइफ को सेव करता है। तो यहां से आर्यन और ईशा की स्टोरी ने नया मोड़ लिया है ना? थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या कहा? बुलेट अंदर तक धंस चुका था, कुछ नहीं कर सकते थे। उसने सही वक्त पे आकर इसकी जान बचा ली, यही काफी है।
तो कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? जानवी दीदी, हाय, क्या है ये? जल्दी ठीक हो जाओ, एग्जीबिशन की डेट आ रही है, ऐसे लेटी रहोगी तो नहीं चलेगा। प्रॉब्लम है क्या? लगता है अभी तुम्हारा मूड नहीं है, मैं कल आता हूं। जैसा चेहरा दिखाने वाली इस महानगर में मैं अपना असली चेहरा दिखाए बिना जी रहा हूं। अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अब ईशा मेरे साथ है। आप अंदर नहीं आएंगे? जी नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा।
तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? मैं किसी और का इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा है वो जल्दी आ जाएगा। मेरे दिल में सिर्फ वही है। तुम लोग आराम से खाओ, मैं अंदर जाता हूँ। न्यूज़ का समय है ना? बस बस, थैंक्स। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छी पेंटिंग है, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त ही रहेंगे। छोटी छोटी खुशियों का इंतजार करती रहूं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। सिद्धार्थ हर रोज मेरी पसंद का फूल मेरे घर के बाहर रखता था। मैं सिद्धार्थ के लिए कुछ नहीं कर पाई। मुझसे कुछ कहे बिना ही वो चला गया। फरवरी 17 को मेरी पेंटिंग का एग्जीबिशन है। उसने कहा था कि वो आएगा, उसी का इंतजार कर रही हूं। बेकार में इंतजार करके कोई फायदा नहीं, हमें ही जाके उससे मिलना पड़ेगा। आप किससे मिलना चाहते हैं? सिद्धार्थ, जो यहाँ आर्ट डायरेक्टर है। ओह, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ रवि बोलो। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है? सिद्धार्थ से मिलने के लिए एक लड़की आई है, वो उसके बारे में पूछ रही है। साथ में उसके एक आदमी भी है। आर यू श्योर? वो बस सिद्धार्थ के बारे में पूछ रही है। कौन है वो, कोई बुजुर्ग आदमी? नहीं सर, एक यंग लड़का है। उसे पुराना एड्रेस दे देना, वो चली जाएगी। और अभी भी वो फोन नंबर चालू है। ओके सर। आ जाओ। स्टोर रूम है, थोड़ा गंदा है। मेरी बात ध्यान से सुनो सिद्धार्थ, मुझ पर भरोसा रखो।
यू जस्ट बिलीव मी। हम लोग किसी पे भरोसा करते हैं क्या सर? आप मुझ पर, मैं आप पर। मेरे साथ आओ। देखिए सर, हम मिडिल क्लास लोगों की भी जो इमेज होती है ना, घर के बाहर मोटरसाइकिल, लिविंग रूम की दीवार पर पेंसिल से कुछ तस्वीर बना देना, या फिर रात के समय खाने के बाद आराम से सीडी प्लेयर में यसुदास के गाने लगाकर सुनना, ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें जिंदगी को खूबसूरत बना देती हैं। इन छोटी छोटी बातों से ही एक साधारण सी जिंदगी बनती है। पेंसिल से तस्वीर और यशुदास का गाना, हजारों लोग ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, और इस समय हम लोग भी सिद्धार्थ ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम जैसे लोग साधारण लोग हैं। तुम्हारी तरह मुझे भी एक सुंदर लड़की मिली थी जब मैं दिल्ली फोर्स में था, इंडिया में। मुझे भी उससे उतना ही प्यार हो गया था जितना इससे तुम्हें हुआ है। एक दिन जब मैं उससे मिलने उसके घर पहुंचा तो उसे देखते ही रह गया, बहुत सुंदर लग रही थी वो। उस दिन मैं उसके प्रति और आकर्षित हो गया था। तो फिर? फिर क्या, मैंने उससे शादी कर ली। उसके बाद जिंदगी की सारी सच्चाई अपनी औकात पर आ गई। उसकी खूबसूरती, उसके अंदर का रोमांस सब खत्म हो चुका था। ऐसा ही होता है। तुम उससे बाहर आ जाओ सिद्धार्थ, अपनी सोच, अपनी इस कल्पना से। नहीं होगा सर, आई हैव टू से इट कि मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। किसी दूसरे के बारे में उसे सोचने का टाइम नहीं है सिद्धार्थ। उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है सिद्धार्थ। कौन है? एक साधारण आदमी। उसका एक छोटा सा बिजनेस है, 3 साल से ही बैंकॉक में है। मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। हैप्पी बर्थडे। सॉरी थोड़ी देर हो गई। अंकल कहाँ है? एक कप कॉफी मिलेगी?
रहा है। Yes, I'm fine. सच क्या है तुम्हें नहीं पता है ईशा, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि सच क्या है। मैं एक इंटरपोल ऑफिसर हूं। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया एज अ कवर। मेरी वजह से तुम्हारे साथ इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा हूं। क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा है। I'm sorry, Isha. सिद्धार्थ, नेम इज फिक्टिशियस। ऑफिशियल कैपेसिटी में रहकर एक एजेंट को इमोशनल होने का कोई अधिकार नहीं है, और अब सिद्धार्थ के पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो अपने फर्ज का ध्यान रख के गैंग का सफाया करें, या फिर अपने दिल की सुने। और अब इसी इमोशनल लड़ाई में मेरे कैरेक्टर की एंट्री होगी। ईशा को अपने मन से हटाने के लिए सिद्धार्थ को गुजरना होता है एक डेडली मेटामॉर्फोसिस फ्रिटल रेवोल्यूशन से, और वो डिपार्टमेंट के साथ धोखा करने लगता है।
ही समय में राघव मूर्ति के जैसे ही सिद्धार्थ बाबा गैंग का भी दुश्मन बन गया और अब उनको आमना सामना करना ही था। क्या मतलब है? तुम पागल हो गए हो क्या? पहले बैठ जाओ, बैठो ना, बैठो। तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे सनी। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें कहां लेके जाएगी तुम्हें पता भी है? अजय, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सोना देने वाली मुर्गी अगर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तो उसे काट देना चाहिए। उसी तरह राघव से भी खतरनाक वो लड़का है हमारे लिए, उसे छोड़ना मत, खत्म कर दो उसे। बाबा, मैं? चाहे किसी को मारना हो या पालना हो, उससे पहले मैं दो बार सोचता हूँ, ये बात तुम जानते हो ना? मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन पापा, आर्यन को पसंद नहीं तो उसे जाने दो, ये काम सूरज कर सकता है, वो बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल नहीं, वो काम अजय ही करेगा। पापा, आप हमेशा उसका फेवर क्यों करते हो? ऐसा क्या है उसमें? जस्ट शट अप सनी। मटन चिकन खाकर मसल बढ़ाकर घूमने से कुछ नहीं होता है, दिमाग होना चाहिए। आज तक तुम, वो सूरज और मैं तीनों मिलकर भी उस राघव का कुछ नहीं कर पाए। दिमाग से काम लो, कोर्ट के बारे में चिंता मत करो, सिर्फ एक गोली और उसकी कहानी खत्म। हाँ, और साथ में मरेगा वो अजय, पुलिस के सामने और इस दुनिया के लिए भी। समझ में आया ना? अगर मैं उनका टारगेट हूं तो समीर, दिस इज आवर चांस। हमारे जाने से कोर्ट में वो लोग भी जरूर आएंगे, मैं जाऊंगा वहां, वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे, मैं खुद उनको फेस करूंगा। हमें किसी से बदला लेने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, यह गलत है, दूसरे का नुकसान बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी ऐसा करने के लिए तुम्हें कहती है तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन मेरी सलाह है कि पहले निश्चित कर लो। यस सर। गुड।
10 सेकंड में। बात नहीं, मेरा दोस्त है सिद्धार्थ। व्हाट आर यू डूइंग? बिजी हो गया, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूं। आओ बैठो। थैंक्स सिद्धार्थ। व्हाट आर यू डूइंग? गाइस आई विल बी राइट बैक। सिद्धार्थ गाड़ी क्यों स्टार्ट की? मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, मेरी बात वहीं पे खत्म हो सकती थी। वहां पर हम सेफ नहीं थे। ईशा ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में बहुत कुछ। उसने मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहा होगा, उसके साथ मैंने कुछ ठीक नहीं किया। वो तो अच्छी बातें ही करती है। मैं ईशा के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे ब्लैक ट्यूलिप्स की वार्निंग मिली है। अब तुम्हें भी उनसे संभल के रहना होगा। मतलब राघव सर को तुमने इन्फॉर्म किया था? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें मारने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? यहां जिंदा रहने वाले भी तुम हो और इस कहानी के नायक भी तुम। यू आर अ गुड गाय और तुम्हारे हाथों से मरने वाला मैं बैड गाय। मारना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे यहां पर लेकर क्यों आए? सिर्फ ये बताने के लिए कि आज भी वो सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। मतलब लेवेंडर के फूल देने वाले तुम हो? पर ये बात वो नहीं जानती, अनजान है। कितने साल, पता है कितने सालों से वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। सिर्फ तुम्हारे आने तक। लेकिन वो फूल देने वाले तुम हो, उसके प्यार के असली हकदार तो तुम हो। उसे ऐसे ही रहने दो सिद्धार्थ, उसकी बनाई हुई हर पेंटिंग और तुम आज भी उतनी ही कीमती हैं। लेकिन अब तुम यहां से रहूंगा, मैं रहूंगा एंड आई विल एग्जिस्ट। ना तुम जानोगे ना मैं जानूंगा, किसी अनजान दूसरे शहर में। सिद्धार्थ, ही इज गॉन। सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है। कैसे, किसने? एवरीथिंग वॉज सो सेफली गार्डेड।
उसे सुरक्षित रखने के लिए सारा इंतजाम किया जा चुका था, लेकिन वो उससे बाहर हो गया और किसी अनजान आदमी की कार में चला गया वो, जिसकी वजह से वो मारा गया। नो क्लू, लेकिन यही सच है कि इसके पीछे ब्लैक ट्यूलिप का ही हाथ है। तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या ईशा? सिद्धार्थ का कोई दुश्मन या फ्रेंड या कोई और? क्या ईशा को भी आर्यन पर शक था? कभी नहीं, वो तो उसका सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन उसके बाद उसने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने पेंटिंग्स बनाना फिर से शुरू कर दिया, लेकिन आजकल लैवेंडर के फूलों को कलर नहीं करती। अपने दुखों को भूलने के लिए ईशा पेंटिंग करने लगी। अब ईशा के मन में सिर्फ मैं ही हूं, अब वो मेरे बारे में ही सोचती है और इस बात से मैं बहुत खुश हूं। ब्लैक ट्यूलिप की महाशक्ति और उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय लोगों से नहीं है, उसके लिए लड़ने वाले उसके लड़के हैं। जोसेफ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें उस काले फूल की हर पंखुड़ी को तोड़ना ही होगा, उन्हें एक एक करके खत्म करना होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। क्या हुआ बेटा तुझे? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। हैदराबाद की एक झोपड़पट्टी से उठाकर तुझे यहां बैंकॉक लेके आया, ये सब भूल गए हो क्या? किसी भी गुनाह का अपने गैंग में एक ही सजा है और वो है मौत। तुम और वो लड़की अभी तक जिंदा है सिर्फ एक वजह से, मेरी दरिया दिली। यू अंडरस्टैंड? मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। अगर मैं अपनी जिंदगी गिरवी भी रखूं, फिर भी आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, और उसी एहसान की वजह से मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। नींद और सपनों में भी मेरा पाप मेरा पीछा कर रहा है। पापों से मैं तंग आ गया, बस हो गया बाबा। मैं आपके लिए और काम नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने की इजाजत दीजिए प्लीज। जाओ, लेकिन एक काम खत्म करके। राघव अपने काम में टांग अड़ा रहा है, उसे रास्ते से हटा दो। बाबा वो अंदर रहो या फिर बाहर रहो, सनी तुम्हारा ही साथ देगा, यही सच है। ये तुम्हारे काम की चीज है,
आज के बाद से तुम्हें कोई बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ये लो, इससे पहले कि वो हमें मारे। लेकिन एक बात सच है, ब्लैक टूलिप ही इसके पीछे है। तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या ईशा? सिद्धार्थ का कोई दुश्मन, फ्रेंड या कोई और? कंडीशन, हमें पता है। प्रॉमिस मी दैट ईशा विल बी सेफ। प्रॉमिस। Thank you.
हाय ईशा, शुरू में देखा तो तकलीफ में है ये लड़की, मदद करूं ऐसा सोचा था। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वो ब्रिज बनाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं। तुमने मेरे बदले में सिद्धार्थ से प्यार किया, इसीलिए मैंने उसे मौत से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। लेकिन अगर अब मैं जिंदा रहा तो तुम्हें और तकलीफ होगी। मेरी परछाई भी अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। अब मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता। मेरे लिए तुम्हारी पेंटिंग वो मेरी जान है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे सिद्धार्थ को नहीं बचा पाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना।
Mm-hmm.